फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट जेम्स शर्ले ऑफ द जैकोबियन एज एंड 1625 टू 1642 इज द पीरियड वेयर राइटिंग फॉर द स्टेज. He wrote for the stage in this period, okay? And his works were not praised, but he is the last person. who staged a play before the closing of theater. The closing कब हुई थी theater की? 1642 में. तो he is the last writer before the closing of the theater, okay? जब theater close होने वाले थे, इन्होंने सबसे last writer थे जिन्होंने लिखा था. And Charles Lamb ने बोला है, said that James Shelley claims his place among the worthy of this period, not so much as the transcendent genius in himself as that he was last of the great race, okay? He was the last of the great race. वो इस रेस में लास्ट खिलाड़ी थे, ठीक है, जब थिएटर्स बंद होने वाले थे 1642 में, ओके. तो ये इनका है, ही इज़ नॉट प्रेस्ड बट ही रोट, ही इज़ द लास्ट पर्सन, ओके. एंड इनके जो वर्क्स हैं हम डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वर्क इज़ द विटी फेयर वन. इट वॉज ए ट्रांसलेशन प्ले विच फॉल बिटवीन बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एंड रेस्टोरेशन कॉमेडी, ओके, ऑफ विचरले एंड कॉनग्रेव. जो कॉनग्रेव एंड विचरले ने लिखा है उसमें ये लास्ट कॉमेडी, इट वॉज द ट्रांसलेशन प्ले, ओके. ये एक ट्रांसलेशन प्ले है. आपको इनके नाम से याद रखने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं जेम्स शर्ले के ऊपर, लेकिन बहुत बार ये वर्क्स का जो नाम दिखा होता है पूछा जाता है, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस वर्क, ओके. तो ये आपको याद रखना है. द नेक्स्ट वन इज़ हाइड पार्क. And the third one is the Lady of Pleasure. And Afra Ben जो थे, she is a dramatist who wrote during the Restoration Age. हम आगे इनको पढ़ेंगे. Afra Ben को, ये एक spy थी, ओके, हैड बोरोड द प्लॉट एलिमेंट्स फ्रॉम दिस वर्क लेडी ऑफ प्लेजर एंड शी हैड रिटन हर ओन प्ले एज लकी चांस. उन्होंने लकी चांस नाम का एक अपना प्ले लिखा था जो इसी से बोरो किया था, लेडी ऑफ प्लेजर से, ओके. तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है. मैं सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ, वो इम्पॉर्टेंट ही करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. बोलते हैं ना कि जो ज़रूरत है वो पढ़ो, ना कि बहुत सारा पढ़ो. बहुत सारा हमें याद भी नहीं रहता है, तो हम वही पढ़ेंगे जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज़ जॉन मार्स्टन. लेट अस डिस्कस अबाउट जॉन मार्स्टन. ही हैड ए फाइट विथ बेन जॉनसन. इनकी लड़ाई रहती थी, हमने आगे पढ़ा था, ओके, वॉर ऑफ थिएटर्स में, कि इनकी बेन जॉनसन के साथ बनती नहीं थी, ओके. एंड ही हैड ए फाइट विथ बेन जॉनसन. हिस्टीरियोमैस्टिक्स क्या है? हिस्टीरियोमैस्टिक्स वॉज द फर्स्ट प्ले विच फ्रेम द मास्क ऑफ वॉर ऑफ थिएटर एंड इट वॉज रिटन बाई मार्स्टन. ये किसने लिखा है? मास्टर ने लिखा है हिस्टीरियोमैस्टिक्स, ओके. इट वॉज द फर्स्ट प्ले, ओके, एंड वॉर ऑफ थिएटर्स का फर्स्ट प्ले है ये, आपको याद रखना है. द नेक्स्ट इज मार्स्टन कोलिब्रेटेड विथ बेन जॉनसन एंड जॉर्ज चैपमैन एंड ऑल ऑफ देम रोट ईस्टवर्ड हु. इन तीनों ने कौन सा लिखा है? ईस्टवर्ड हु. And all of them wrote Eastward Who. ये क्या थी? एक कॉमेडी थी. The play has satirical references to Scottish country and King and it somewhere offended James I who belonged to Scotland and he was James VI of Scotland. वो James VI थे ना स्कॉटलैंड के. हमने जब इंट्रोडक्शन किया था अपना जैकोबियन एज का, जब हमने जेम्स के बारे में पढ़ा था, देखिए जेम्स वन इंग्लैंड के बने थे ये, और स्कॉटलैंड के ये जेम्स सिक्स थे, ओके. तो इनको गुस्सा आया, इन्होंने जो तीनों ने मिलके जो लिखा था, जॉर्ज चैपमैन ने, बेन जॉनसन ने एंड जॉन मार्स्टन ने, तो ये थोड़ा सटैरिकल था किसके ऊपर? स्कॉटिश कंट्री के ऊपर. तो इनको गुस्सा आया और इन्होंने तीनों को इम्प्रिजन कर दिया. All three of them in prison because of Eastward Ho. Eastward Ho जो इन्होंने लिखा तीनों ने मिलके collaboration में, तो James I ने इनको, James I of England ने इनको जेल में डाल दिया था, okay. Let us start the works of
जॉन मार्स्टन, द फर्स्ट वर्क इज मेटामॉर्फिसिस ऑफ पिग्मेलियन इमेज एंड सर्टन सटायर, मेटामॉर्फिसिस ऑफ पिग्मेलियन एज एंड सर्टन सटायर. ओके, दिस इज द फर्स्ट वर्क. दिस इज ए बुक ऑफ पोइट्री. ये एक पोइट्री की बुक है, रिटन इन इमिटेशन ऑफ ओविड. ओविड कौन थे? क्लासिकल पोएट थे. एंड जुवेनल, जुवेनल कौन थे? क्लासिकल राइटर्स फेमस फॉर सटायर्स. जो क्लासिकल राइटर्स थे, फेमस थे सटायर्स के लिए, व्यंगों के लिए. ओके, तो इनके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है, पोइट्री बुक. तो दिस इज ए पोइट्री बुक. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. द नेक्स्ट इज एंटोनियो, एंटोनियो रिवेंज. द नेक्स्ट इज एंटोनियो रिवेंज. एंड द नेक्स्ट वन इज मालकंटेंट. द नेक्स्ट वन इज मालकंटेंट. हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, बाकी आपको बाकियों के नाम ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं. थोड़ा बहुत इनमें से पूछा जाता है जो मैं आपको बता रही हूँ साथ में. ओके, एंड देन थर्ड वन इज माल कंटेंट. लेट अस डिस्कस अबाउट माल कंटेंट. डूक अल्फ्रांटो, जो डूक कहाँ के हैं? अल्टो फ्रांटो, अल्टो फ्रांटो. ही वॉज रिमूव्ड from the throne by plot hatched by Mendoza. And इसमें characters है, जो हम characters एक बार discuss कर लेते हैं. Duke है Alto Fronto के, उनके खिलाफ जो आदमी है कौन कौन है? Mendoza, Orlia जो wife है, and Maria wife of Alfranto. ये wife किसकी है? वाइफ ऑफ अल्फ्रांटो, जो डूक की वाइफ मारिया है. ठीक है, राजा की वाइफ कौन है? मारिया है. एंड ओरेलिया कौन है? क्वीन है. ओके, एंड मेंडोजा सर्वेंट ऑफ क्वीन, जो क्वीन का सर्वेंट है. ओके, एंड लेट अस डिस्कस अबाउट जेनोआ. इज ए प्लेस, ये कहाँ की, कौन सी प्लेस है? जेनोआ. ठीक है, प्लेस भी बहुत बार पूछा जाता है कि माल कंटेंट में कौन सी प्लेस का जिक्र हुआ है, तो जेनोआ. ओके, एंड पेट्रो जेकोमो, न्यू ड्यूक ऑफ जेनोवा. ये कौन बने थे? न्यू ड्यूक ऑफ बने थे. ओके, पेट्रो जेकोमो, न्यू ड्यूक ऑफ जेनोवा. ओके, ही बिकेम द न्यू ड्यूक ऑफ जेनोवा. और इसमें जो है ओरलिया वाइफ ऑफ पेट्रो, ओरलिया कौन है? जो वाइफ है इसकी, पेट्रो की. और मारिया कौन है? ड्यूक की वाइफ है. तो आपको मेंडोजा जो है वो सर्वेंट ऑफ ओरलिया, सर्वेंट है किसका? ओरलिया का. तो मैं ये प्लॉट आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ एक बार. ड्यूक अल्टो फ्रांटो डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज मालवोल. क्या वो किस में डिस्गाइज होता है? मालवोल, भेष बदलता है ये मालवोल के नाम से. एंड ही बिकेम ए पार्ट ऑफ द ड्यूक पेट्रो, एंड जो ड्यूक पेट्रो का पार्ट बन जाता है. ओके, एंड मेंडोजा वॉन्ट्स टू बिकेम हायर वारिस बना जाता है, और पेट्रो, जो पेट्रो है ड्यूक पेट्रो, उसका वारिस बना जाता है. ओके, पेट्रो का जो वारिस कौन बना जाता है? मेंडोजा. ओके, ही वांट टू बिकेम द ड्यूक ऑफ जेनोवा. कौन? मेंडोजा ड्यूक बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है जेनोवा का. एंड ड्यूक अल्टो फ्रांटो, जो मालवोल के भेष में है, क्रिटिसाइजेस कोर्ट एंड सेज देयर इज ए करप्शन ऑल ओवर. एंड आफ्टर हियरिंग दिस, पेट्रो वॉज इंस्पायर्ड बाई दिस, दैट एक आदमी है जो चमचागिरी नहीं कर रहा है, सच बोल रहा है. तो वो इससे इंस्पायर्ड हो जाता है. मालवोल, जो ड्यूक ने किसका भेष ले रखा है? मालवोल का. और वो जो क्रिटिसाइज करता है कि बहुत करप्शन है कोर्ट में, ये वो, तो जो पेट्रो है वो इससे इंस्पायर हो जाता है, सोचता है कि अरे ये तो बहुत काम का आदमी है, ये तो चमचागिरी नहीं कर रहा है. एंड पेट्रो मालवोल पर ट्रस्ट करने लग जाता है. ओके, एंड उसी का फ़ायदा उठाकर जो मालवोल कौन है? डिस्गाइजेस इनटू, ये डिस्गाइज मतलब भेष बदला हुआ है इसने, ये असली में वहाँ का राजा है मालवोल. ओके, ने पेट्रो से कहा कि तुम्हारी पत्नी का अफेयर है मेंडोजा के साथ. ठीक है, तो वो अब उसको बता देता है कि तुम्हारी पत्नी का अफेयर है मेंडोजा के साथ. एंड पेट्रो इज़ वेरी डिसहार्टेड, पेट्रो को बहुत ही गुस्सा आता है. ठीक है, किसके ऊपर? ओरलिया के ऊपर. ठीक है,
उसको गुस्सा आता है एंड मेंडोजा एंड ओलिया आर प्लानिंग टू मर्डर पेट्रो। तो मेंडोजा और ओलिया दोनों मिलके प्लान करते हैं किसको मारने का, पेट्रो को। एंड ओलिया प्रोमिसेस मेंडोजा दैट आफ्टर द पेट्रो दैट आई विल मेक यू ड्यूक ऑफ जेनोवा। वो मेंडोजा को बोलती है कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगी पेट्रो के मरने के बाद में, ओके। एंड मेंडोजा मार्लो के पास जाकर कहता है कि तुम पेट्रो को मार देना जब पेट्रो शिकार पर जाए, ओके। ये सारी बातें मेंडोजा उसको कहता है कि तुम पेट्रो को मार देना। एंड मेलवो एक्सेप्टेड टू मर्डर पेट्रो। एंड जो मालवोल है, जो ड्यूक है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मैं मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेलवो टू बॉक्सेस देता है मेंडोजा को, कहता है बोथ दिस बॉक्सेस कंटेन फ्यूम। वो बोलता है कि इन दोनों बॉक्सेस में एक फ्यूम है, वो बॉक्स वन खोलते ही पर्सन मरने वाली जैसी नींद आने लग जाती है 12 घंटे तक, ओके। एंड सेकेंड बॉक्स कंटेन फ्यूम ऑफ इंस्टेंट डेथ। एंड दूसरे बॉक्स में इंस्टेंट डेथ मतलब जल्दी ही वो मर जाता है, फर्स्ट बॉक्स में 12 घंटे लगते हैं उसको, नींद जैसा हो जाता है। एंड मालवोल गिव्स दिस टू बॉक्सेस टू मेंडोजा, मेंडोजा को ये दोनों बॉक्सेस दे देता है। एंड मेंडोजा इज क्वाइट इम्प्रेस्ड एंड टेल एवरी एंड ईच ऑफ हिज प्लान। वो इम्प्रेस हो जाता है, यार ये तो मेरी तरफ ही है, मैं सब कुछ इसको बता देता हूँ। तो वो सारी बातें उसको बता देता है कि कैसे ओलिया और मेंडोजा दोनों मिलके वो प्लान कर रहे हैं पेट्रो को, राजा को मारने का। एंड मालवोल सारी बात पेट्रो को जाकर बता देता है। एंड यू शुड बी अलर्ट दैट, उसको बोलता है कि तुम्हें अब अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि मेंडोजा और तुम्हारी पत्नी तुम्हें मारना चाहते हैं, ओके। एंड पेट्रो डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज हर्मेट। अब पेट्रो क्या बन जाता है, एक साधु का भेष ले लेता है हर्मेट का, ओके। अब इसमें देखो ये ट्विस्ट है कि जो ड्यूक है वो बन रहा है भेष बदले मालवोल के भी भेष में। अब जो पेट्रो दूसरा राजा बना है पेट्रो, वो भी किस में भेष बदल रहा है, एक साधु के उसमें भेष बदल रहा है। एंड मेंडोजा प्लान करता है और पेट्रो को भड़का कर कहता है तुम मालवोल का मर्डर कर दो, ठीक है। अब मेंडोजा ट्विस्ट कर रहा है कि मालवोल का मर्डर कर दो और मालवोल को कहता है तुम पेट्रो का मर्डर कर दो। तो इसमें ये मेंडोजा जो है वो ये दोनों को भड़का रहा है कि तुम आपस में मर्डर कर दो। और दोनों कौन है, ये प्रेजेंट राजा है पेट्रो एंड मालवोल कौन है, जो पहले जो राजा है जिसने भेष बदला हुआ है, ओके। तो ये दोनों को बोलता है। एंड पेट्रो जो साधु के भेष में हर्मिट के भेष में है, अल्फ्रांटो जो मालवो के भेष में है, दोनों अलग अलग अपने भेष में है। एंड मेंडोजा को लगता है आफ्टर मर्डरिंग पेट्रो एंड मालवोल दैट अभी तो सिर्फ अल्फ्रांटो से खतरा है। वो सोचता है कि इन दोनों को मार दूंगा तो किसी से खतरा है, सिर्फ अल्फ्रांटो से ही खतरा है। एंड मालवोल अपना असली भेष मेंडोजा के सामने बताता है एज ए ड्यूक अल्टो फ्रांटो। तो वो उसको बता देता है कि जो तुम समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं राजा ही हूँ। तो उसके सामने मेंडोजा के सामने सारी बात मालवोल बता देता है। सीइंग अल्फ्रांटो मेंडोजा यूजेस द बॉक्स टू पॉइजन अल्फ्रांटो। जो बॉक्सर्स खुद राजा ने ही उसको मालवोल बन के दिए थे, वो उसी का यूज़ करना चाहता है किसके ऊपर, अल्टोफ्रांटो ड्यूक ऑफ ड्यूक अल्टोफ्रांटो पे, विच गिवन बाय हिम ओनली मालवोल, जो मालवोल बन के उसने दिए थे। इन रियलिटी द बॉक्सेस वेर एम्प्टी, सच्चाई में क्या थे वो बॉक्सेस, एम्प्टी थे। देर वॉज नो फ्यूम इन द बॉक्सेस, कोई भी उसमें फ्यूम नहीं थी। एंड अल्टोफ्रांटो एक्टिंग करता है कि जैसे बॉक्स में फ्यूम है जिसके वजह से वो मरने वाला है और मर गया, ओके। तो अभी ये क्या एक्टिंग कर रहा है, जैसे कि सच में वो जो बॉक्सेस है दो बॉक्स उनमें फ्यूम है और वो मरने की एक्टिंग करता है, मर जाने की। एंड मेंडोजा को लगता है कि उसने पेट्रो मार्वो अल्फ्रांटो सबको अब मार दिया है, ठीक है। किसको लगता है, मेंडोजा को लगता है कि सबको मार दिया। एंड मेंडोजा सेलिब्रेट करता है पार्टी देकर, ठीक है। तो उसको लगता है कि उसने सबको मार दिया, वो पार्टी देकर अपना जश्न सेलिब्रेट करता है। इस पार्टी में पेट्रो एंड अल्टोफ्रांटो आते हैं और मेंडोजा की असलियत सबको बता देते हैं, ओके। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मालकंटेंट, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, बहुत बार कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, टू बॉक्सेस में क्या था पूछा जाता है एंड द प्लेस पूछी जाती है, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जॉन डन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है ये,
तो आज के लिए इतना ही। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।